भाई। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो 11th का एंट्रेंस एग्जाम है उसको ये संबंधित एक विषय है। जब भी कोई छात्र वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो उसे अगर दाखिला लेना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तो इस्लामिक कल्चर और इंडो इस्लामिक स्टडीज का विषय उसे पढ़ना पड़ेगा। यह अनिवार्यता है कि उसको प्रवेश परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है 11th एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें यह स्पष्ट है कि साइंस स्ट्रीम के लिए 10 अंक के प्रश्न इंडो इस्लामिक के पूछे जाएंगे और कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के एंट्रेंस में अघोषित रूप से कितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि कुरान और हदीस की पढ़ाई, जिसमें कि महिमा मंडित करते हुए अकबर और औरंगजेब की पढ़ाई, टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करते हुए पढ़ाई, और इस्लाम से संबंधित जितनी भी शिक्षा है वह उसे पढ़ना अनिवार्य है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो इस्लाम का इल्लीगल प्रोपगेशन है, इस्लाम को इम्पोज करना, अधरोपित करना किसी छात्र के ऊपर, यह है। ये किसी भी हिंदू छात्र के या अन्य धर्म के किसी छात्र के जो गैर इस्लामिक छात्र है उसके जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसका हनन है। तो इसी विषय में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मंत्री हैं केंद्रीय है, कि इस विषय को एंट्रेंस एग्जाम से हटाया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं यह हनन है और कहीं ना कहीं इस्लाम को थोपने का विषय है। ठीक।